नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि हमें आखिर दूध कैसा पीना चाहिए, ठंडा दूध पीना ज़्यादा फायदेमंद होता है या गर्म दूध पीना फायदेमंद होता है। दोस्तों, इस टॉपिक में हम इसी के बारे में बात करेंगे और ये हमारी हेल्थ के लिए किस तरह ज़रूरी होता है, बहुत ही ज़रूरी क्यों होता है। तो इसको जानने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हमें वीडियो को आप लाइक से शेयर करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है वीडियोज़ नए नए बनाने का। दोस्तों, गर्म दूध पीना चाहिए या ठंडा, यह सवाल हर किसी के मन में आता है। ज़्यादातर लोगों को देखा होगा कि वो ये सोचते रहते हैं कि किसका दूध सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आप रोज़ाना दूध पीते हैं तो ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। दूध स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी माना जाता है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, लाभकारी होता है। कुछ लोग गर्म दूध पीना पसंद करते हैं तो कुछ लोगों को ठंडा दूध पीना ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन इनमें से कौन सा बेहतर होता है ये आपको इस वीडियो में मालूम पड़ेगा। तो आप इस वीडियो से लास्ट तक देखते रहिए इस वीडियो को, तभी आप समझ पाएंगे कि आखिर क्या बेहतर है। अगर आपको लैक्टोज नहीं पचता तो पिए आप गर्म दूध। यानी कि गर्म दूध का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आसानी से पच जाता है। अगर आपको लैक्टोज नहीं पचता है तो आप ठंडा दूध पीने से बचें, क्योंकि इसे पचाना आपके लिए मुश्किल होगा। आप ठंडे दूध का आनंद उसमें अनाज के पदार्थ मिलाकर भी ले सकते हैं। गर्म दूध में लैक्टोज कम हो जाता है और इससे दस्त और बदहजमी जैसी समस्या नहीं होती है। अगला है, गर्म दूध पीने से आती है अच्छी नींद। अगर आपको नींद न आने की समस्या है यानी बीमारी है, तो आप बिस्तर पर जाने से पहले एक गिलास गर्म दूध पी सकते हैं। दूध में ट्रिप्टोफैन नाम का एमिनो एसिड होता है, जो सेरोटोनिन और मेलाटोनिन नाम का केमिकल पैदा करता है, जिससे आपको आराम मिलता है और अच्छी नींद आती है। एसिडिटी खत्म करने के लिए पिएं ठंडा दूध। ठंडा दूध पेट में एसिडिटी के कारण होने वाली जलन में राहत पहुंचाने के लिए बेहतर पदार्थ है। खाने के बाद आधा गिलास ठंडा दूध पीने से एसिड उत्पादन खत्म हो जाता है और एसिडिटी से राहत मिलती है। पानी की कमी को रोकने के लिए भी आपको ठंडा दूध पीना चाहिए। दोस्तों, ठंडा दूध पीने से आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। सुबह के समय ठंडा दूध पीने का सबसे बेहतर समय होता है। अगर आप फ्लू और कोल्ड से पीड़ित हैं तो ठंडा दूध पीने से आपको बचना चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी दी गई जानकारी कैसी लगी, हमें वीडियो को लाइक और शेयर की दीजिए और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचते रहे। धन्यवाद।